हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम कोरोना के ऊपर बेस्ड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन, सैनिटाइजेशन यूवी ब्लास्ट ये भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसके अंदर यूवी किरणों से किसी भी ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लो कॉस्ट वेंटिलेटर नेम्ड प्राणवायु डेवलप्ड बाय एम्स ऋषिकेश अलोंग विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन, जीवन वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय, तो ये डेवलप किया है रेलवे ने। कोरोना वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशिया, तो उस कोरोना वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन, कोरोना वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय भारत बायोटेक, तो जो भारत के अंदर जो कोरोना वैक्सीन डेवलप हो रही है भारत बायोटेक के द्वारा, उसका नाम है कोवैक्सीन। और जो कोरोनिल है ये पतंजलि की मेडिसिन है, और गिलियाड ये USA की मेडिसिन है। नेक्स्ट, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम आश्रय है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन आर्मी, DRDO, ICMR या एम्स दिल्ली, तो इसका आंसर है DRDO। अगला क्वेश्चन, माइक्रोवेव सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय DRDO पुणे, तो उस माइक्रोवेव सैनिटाइजर का नाम है अतुल्य। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस इज अ, तो कोरोना वायरस जो है ये एक बताना है कौन क्या है, सिंगल स्ट्रेन है, डबल स्ट्रेन है, RNA है, DNA, तो ये एक सिंगल स्ट्रेन RNA है। अगला क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस इज, तो ये कॉन्टैक्ट से भी होता है। फ्यूमिटिव्स बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू ये इन्फेक्शन कैरी होता है, जैसे कोई मोबाइल स्क्रीन हो गई या यूटेंसिल हो गए या क्लोथ हो गए, तो इसके द्वारा भी ये फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इसके द्वारा भी ये फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कॉमनली वॉक थ्रू डिसइन्फेक्टेंट टनल्स फॉर COVID-19 इज, जो वॉक थ्रू टनल्स बनाई जाती हैं जिस डिसइन्फेक्टेंट करने के लिए, तो उसके अंदर जो केमिकल में यूज में लिया जाता है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये 1% भी हो सकता है, डिपेंड करता है बहुत जगह, इसलिए केमिकल जो होगा वो सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज किया जाएगा, और कंसनट्रेशन वेरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक ऑन, तो 11 मार्च 2020 को WHO ने से ग्लोबल पेंडेमिक की घोषणा की थी, और भारत के अंदर जो जनता कर्फ्यू है वो 22 मार्च को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया नेशनल 24/7 हेल्पलाइन नंबर फॉर COVID-19 इज, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर था ये है 1075। अगला क्वेश्चन, एज पर CPCB गाइडलाइंस, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी जो गाइडलाइंस हैं इसके अनुसार जो गोगल्स हैं, फेस शील्ड हैं, नाइट्राइल ग्लव्स हैं, तो ये सब जो डिस्पोज हैं ये रेड बैग के अंदर करना है। जो मेडिकल के अंदर जो कैटेगरी होती है डिस्पोजल की, तो उसके अंदर इनको रेड बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है, और जो N95 जो मास्क है उसे येलो बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक बिहाइंड द मास्क, इसके लेखक हैं सी मोहम्मद अब्दुल मनान की ये किताब है बिहाइंड द मास्क। सो थैंक यू फ्रेंड्स।